जिला मंडी में हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा सीटू के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर मिड डे मील वर्कर्स की अनदेखी करने का आरोप लगाया, तो वहीं यूनियन की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। वहीं यूनियन की मांगों के बारे में जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर यूनियन मंडी के जिला प्रभारी गुरदास वर्मा ने कहा कि जिला मंडी के स्कूल में यूनियन के कार्यकर्ताओं को ही मल्टीटास्क वर्कर्स के रूप में नियुक्त किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वर्कर यूनियन के वेतन में अप्रैल 2020 से 300 रुपए की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया था, लेकिन अभी तक इस बढ़ोतरी को लागू नहीं किया गया है। आज का जो ये धरना प्रदर्शन है, जो मिड डे मील फेडरेशन है अखिल भारतीय स्तर की, इसके आह्वान पे आज जो ये मंडी जिला मुख्यालय के अंदर जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मिड डे मील वर्कर है पिछले 16 साल से काम कर रहा है, और अभी इससे पहले 3 साल पहले हिमाचल सरकार ने जो एक निर्णय लिया था कि स्कूलों के अंदर जो जलवाहक रखे जाते थे उनके पदों को निरस्त करके मल्टीटास्क सर्विस के लिए जो है कुछ वर्कर रखने हैं उनकी जगह पे, जलवाहकों की जगह पे। तो हमारी मांग ये थी कि हम जो है इनकी जगह पे जो मिड डे मील वर्कर 16 साल से काम कर रहा है स्कूलों के अंदर, उन्हीं को उसमें नियुक्ति दी जाए, क्योंकि इसके अंदर बिडो है, IRDP के लोग हैं, स्कूल को जमीन दान की हुई है, इस तरह के लोग भी इसके अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन अभी 10 दिन पहले जो है अधिसूचना जारी कर दी और MTS मल्टीटास्क सर्विस के लिए जो है बाहर से लोगों से आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिससे हमारे वर्कर की जो है अनदेखी की जा रही है। और ये एक बड़े दुख की बात है कि कई स्कूलों के अंदर जलवाहक पिछले 5 सालों से नहीं है, वहाँ पर हमारा मिड डे मील वर्कर ही PN का काम भी कर रहा है और जलवाहक का काम भी कर रहा है। तो इस एक तो इस बात को लेकर हमारा प्रदर्शन है। दूसरा, अभी अप्रैल में इनके जो वेतन में 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई है अप्रैल 2020 में, वो भी इन्हें जो है अभी लागू नहीं सरकार कर रही है, इन्हें नहीं मिल रहा है उस तरह का वेतन। और 31 अक्टूबर 2019 को माननीय जो हमारा हाई कोर्ट है हिमाचल प्रदेश का, उसने एक निर्णय दिया था हिमाचल सरकार को कि इनको जो है 12 महीने के बजाय 10 माह का वेतन दिया जाता है, और इन्हें भी जो है 12 माह का वेतन दिया जाना है, और हिमाचल सरकार ने उसको भी लागू नहीं किया। और कई जगह इनकी जो है छंटनियाँ की जा रही है, 25 बच्चों की शर्त हम उसको भी हटाने की बात कर रही है कि 16 साल बाद काम करने के बावजूद जो है इन्हें जो है हटाया जा रहा है इस तरीके से जैसे दूध से मक्खी निकाली जाती है, और सरकार जो है इनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। और हमारी जो आज मांग है, आज का जो हमारा प्रदर्शन है इन मांगों को लेकर है, और हमारी एक और मांग है कि जो हिमाचल प्रदेश का न्यूनतम जो वेज है 8290 रुपया जो बनता है वो भी इनको मिलना चाहिए, और जो क्वारंटीन आजकल जो कोरोना महामारी के चलते ये घर घर सूखा राशन बांट रहे हैं, और जो आइसोलेशन सेंटर है वहाँ हमारे मिड डे मील वर्कर को जो है खाना बनाने का काम दिया गया है, उसका भी इनको कोई भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। हम पिछले कई सालों से जो है आंदोलनरत है, संघर्ष कर रहे हैं, आज हमारा ये सांकेतिक धरना है कि अगर सरकार ये जो MTS स्कूलों के अंदर रख रही है, सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, तो आने वाले समय के अंदर हम आंदोलन को तेज करेंगे। आज अभी का जो हमारा कार्यक्रम है, अभी हम उपायुक्त महोदय के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मांग पत्र भी भेज रहे हैं, तो अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम आगे आने वाले समय में आंदोलन को और तेज करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे,